नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बिहार के कटिहार में पंचायत ने फरमान जारी करते हुए पीड़िता के अकस्मत की कीमत लगाई 5,000 रुपए। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्पा सेंटर बने सेक्स के अड्डे, बॉडी मसाज के नाम पर चल रहा खुलेआम जिस्म फरोशी। और बिहार के रोहतास में तालाब पर नहाने गए एक ही मोहल्ले के 4 नाबालिग लड़कों की डूबने से हुई मौत। रुक रुक कर आसमान से बरस रही बारिश अब आफत का कहर बनकर सामने आ रही है। बिहार के बक्सर जिले में केसट प्रखंड के कतकिनार पंचायत के दंगौली गांव और आसपास के कई गांव बारिश के पानी से पूरी तरह घिर गए हैं। 2 दिनों से गांव के लोग गांव में ही दुबके पड़े हैं। बच्चे बूढ़े खास करके बारिश के पानी की वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं। जब INN24 की टीम केसर प्रखंड के दगौली और जमुआ टोला किरनी कति कनार व जिले के अन्य जगह गांव का मुआयना किया तो देखा कि बारिश का पानी किसानों के फसल पर कहर बनकर टूटा है, जिसमें किसान अपने धान की रोपाई के लिए बिजड़े लगाए थे वह सब पानी में डूब गए हैं। किसान मायूस हैं, अधिकारी आकर चले जाते हैं मगर किसान का फसल बर्बाद होने के बाद फसल का मुआवजा मिलेगा कि नहीं कहा नहीं जा सकता। बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। देख रहे हैं पूरा चारों तरफ डूबा हुआ है। क्या ये हर साल होता है? ये हर साल यही हाल है। अब हमारा प्रशासन आता है, देख के जाता है, अपना काम कर लेगा, इसी तरह रहेगा। वीडियो साहब आई 2 दिन से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिछड़ा सारा डूब गया, खत्म, कुछ नहीं, तो डूब गया। देख रहे हैं चारों तरफ सब डूब गया है। आश्वासन क्या करिए, मैडम आई 2 दिन, अब देखिए क्या करती हैं, आश्वासन दे करके गई हैं। जल जमाव का कारण है कि कहीं निकास नहीं है पानी का, खेत डूबा हुआ है, बिया भी सब सर गया है। हाँ। और फिर बाद में खेती नहीं हो सकता है बिया सरने के कारण। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग घर से निकलने में भी परेशानी हो रही है। बाल बच्चा के निकलने में परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में भी दिक्कत, जाने में दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पानी का निदान कुछ इधर से तो नहीं रहा है और कुछ अगल बगल से भी किया जाए। प्रशासन से मांगा कि पानी का निकास किया जाए। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसका तो आकलन नहीं किया जा सकता। अभी स्थिति है कि हम लोग के यहाँ हमारे पंचायत में बहुत से बिछड़ा जो है बर्बाद हो चुका है। इस पर कोई प्रशासन मैंने अभी इस पर मैंने नहीं कह रहा है कि मैंने हम लोग कोई अनुदान देंगे या नहीं देंगे, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे प्रखंड के प्रमुख और वीडियो साहब और सीओ साहब, कर्मचारी साहब, सब लोग दौरा किए, अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या हर साल ये होता है? नहीं, हर साल तो होता है, कभी धान भी कुछ बर्बाद हो जाता है, इन साल तो बिछड़े बर्बाद हो गया। किसान कहाँ से रोपेंगे? बिछड़ा लगाइएगा आप लोग की। बिछड़ा कहाँ से लगाएंगे, कहीं से खरीद कर मिलेगा तो लाएंगे। फिर भी यह स्थिति है कि फिर दोबारा भी जो बिछड़ा रोपेंगे वो भी डूब जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ऐसा हो रहा है कि जो चाट है वो जाम है, उसका खुदाई नहीं हो रहा है और इसके बाद कुछ अतिक्रमण भी है उस पर, जिसको थोड़ा बहुत उसको मतलब कि मिला जुला कर चला जाए, कुछ कम भी हो जाए। गांव तो हमारा ही प्रभावित है। खेती कितना प्रभावित होगा? खेती लगभग 200 एकड़ प्रभावित है। तो क्या ये फिर दोबारा अभी खेती नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अगर पानी कम होगा तब तो हो जाएगा, फिर डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस साल अभी आप लोगों का फसल होगा कि नहीं? अब तो किसान तो करता ही है, आगे चलकर जैसे होगा मिलेगा बीज उज कहीं से तो लोग लगाएंगे। इसके लिए पदाधिकारी लोग आए हैं? पदाधिकारी लोग आकर सीओ वीडियो साहब आकर घूम कर गए, वो बोले कि ठीक है पर साल जो है सफाई होगा चाट। बक्सर जिले के केसट प्रखंड के दगौली गांव में बाढ़ का पानी घुसने के कगार पर है। सारे खेत ऐसे हैं मानो गंगा नदी दंगौली और आसपास के गांव में आ गई हो। इस साल बाढ़ का पानी इतनी जोरदार आई है कि सभी किसान के धान के बिजड़े पानी में लापता हो गए हैं। अब सब यही सोच रहे हैं कि पानी जल्दी से कम हो जाए ताकि बिजड़ा बच सके, क्योंकि अगर बिजड़ा नहीं रहा तो रोपाई भी नहीं हो सकती। अभी तो बरसात की शुरुआत ही है, इसमें प्रशासन हमेशा के लिए पानी निकासी का प्रबंध करेगा कि नहीं, यह भी सोचने वाली बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गार्ड्स मीडिया कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की।
घटना उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल रहे थे। सचिवालय में ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। बीजेपी के इस्तीफे की मांग को लेकर मीडियाकर्मी लगातार तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव के सुरक्षा गार्ड और समर्थक भड़क उठे और मीडियाकर्मियों से हाथापाई करने लगे और देखते ही देखते हाथों से पीटते हुए बाहर निकाल दिया गया। क्या मीडिया वाले अब सब जगह 24 घंटे काम करें और सत्ता के नशे में अपनी मर्यादा को लांग दिया? क्या केंद्र सरकार को इस शर्मनाक घटना को रोकने के लिए अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी या इसी तरह मीडिया के लोग बेइज्जती और जिल्लत झेलती रहेगी? केंद्र सरकार से गुजारिश है, आमजन की आवाज को संविधान में भी बोलने के अधिकार दिए गए हैं तो आमजन के लिए आवाज उठाने वालों के लिए भी अधिकार और सुरक्षा की गारंटी दें। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा में स्पा बॉडी मसाज के नाम पर चल रहा है खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है यह धंधा। पर्यटन की नगरी आगरा में एक तरफ तो हर गली कूचे में सैकड़ों की संख्या में बॉडी मसाज के नाम पर सेक्स के अड्डे खुले हुए हैं, जहां मसाज नहीं बल्कि सीधे तौर पर जिस्म फरोशी कराई जाती है। मसाज के नाम पर चल रहे स्पा सेंटर अब जिस्म फरोशी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ सीधे तौर पर महिलाओं से दाम की लालच में जिस्म फरोशी कराई जाती है। सदर ताजगंज और ताज नगरी में सैकड़ों की तादाद में स्पा सेंटर खुले हुए हैं। स्पा सेंटर की पड़ताल में पूरा मामला खुलकर सामने आया है कि यहाँ मसाज नहीं बल्कि महिलाओं से जिस्म फरोशी कराई जाती है। यह महिलाएं दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से बुलाई जाती है, जिनको हफ्ते हफ्ते के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। इन महिलाओं पर ना तो मसाज करने का कोई डिप्लोमा होता है और न ही स्पा सेंटरों पर कोई लाइसेंस। यहाँ जाते ही ग्राहक से सीधे तौर पर पहले मसाज और फिर सेक्स करने के रेट बताए जाते हैं। यही नहीं, इनको लड़कियां भी दिखाई जाती हैं। इस पूरे धंधे में आगरा में सैकड़ों की संख्या में युवतियां लगी हुई हैं, जिसमें स्पा सेंटर चलाने वाले संचालक खुले तौर पर जिस्म फरोशी कराते हैं। पुलिस को इन सेंट्रल से 10,000 से लेकर 15,000 महीने मिलते हैं। इनके संरक्षण में ही यह स्पा सेंटर खूब फल फूल रहे हैं। दर्जन भर स्पा सेंटरों की पड़ताल में जिस्म फरोशी की बात खुलकर सामने आई है। ताजनगरी जिस्म फरोशी के इस काले धंधे के रूप में ज्यादा बदनाम हो रही है। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अधिकारी इस धंधे को आखिर कैसे बंद करते हैं। आप ड्रिंक तो नहीं करते हैं? मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। शॉर्ट 500 रुपए? कितनी देर का शॉर्ट होगा? सिंगल शॉर्ट? सिंगल शॉर्ट होता है, कैसे भी। क्या बाथरूम में या बिस्तर पे? नहीं, बाथरूम में कोई नहीं। 1500 ये और 1000 रुपए मसाज के टोटल 2500 रुपए करीब। नहीं तो मैं आपको, हमें काउंटर से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा ठीक है, और फुल सर्विस बॉडी टू बॉडी माउथ सर्विस और बॉडी टू बॉडी और शॉर्ट, उसका 1500 नहीं है, 2000। लाइट नहीं है क्या कमरे में? नहीं, लाइट वो अभी लग रही है सर, गर्मी जैसे फैन चला रहा है वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2000 रुपये फुल सर्विस और शॉर्ट का आपका 1500 रुपये शॉर्ट का। अच्छा, और क्या पूछ रहा था? अच्छी तो आप ही लगी है मुझे, तभी मेरे अच्छी लगेगी तो सर्दी से आपको अच्छी मिलेगी, शिकायत का मौका नहीं। अच्छा, कब से कर रही हैं आप? हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से? ओके। बड़ा हम सर्विस नहीं देते हैं किसी को ज्यादा। अच्छा, अगर होटल जाना हो तो? अगर होटल में जाना हो तो? नहीं, होटल नहीं। होटल नहीं जाती हो? बिहार में कटिहार के सेमापुर ओपी के दुर्गापुर पंचायत में पंचायत ने फरमान जारी करते हुए एक पीड़िता के अस्मत की कीमत लगाई है 5000 रुपए। पीड़िता मांग रही है न्याय, दबंगों की दबंगई ऐसी कि थाने में भी जाने से रोका, कहा थाने गए तो सर मुंडवा कर दी जाएगी सजा। न्याय की गुहार लगाती ये पीड़िता गुलाबो निशा है, जो अपने परिवार के साथ दुर्गापुर पंचायत के हरी टोला में रहती है। गाँव के ही एक मनचरा पीड़िता से आए दिन छेड़खानी किया करता था और इसी बीच उसने पीड़िता को अपने हवस का शिकार बना लिया। मामला पंचायत में पहुंचा, जहां पंचायत के लोगों ने दोनों को मामला निपटा लेने को कहा। जब पीड़िता ने मामला निपटाने से इनकार किया तो पंचायत में मौजूद गांव के लोगों ने पीड़िता को जबरन मामला रफा दफा करने के लिए 5000 रुपए दे दिए और धमकी भी दिया कि अगर मामला पुलिस के पास गया तो पंचायत में उसका सर मुंडवा दिया जाएगा। अब पीड़ित परिवार डरे सहमे हैं।
हम गया घास करने के, हाँ घास करने के गया, घास करने के गया, दिए बोल गया जी वो लड़का जे अरे तुमको हमें शादी करेगा, नाम बोलता है जे क्यों तेरा मैया है बच्चा है कैसे जाएगा, मैं ना जाएगा कुछ ना वो दूसरा वो करेगा। कौन लड़का था? दुलवा। बाप का नाम क्या है उसका? मुस्लिम। 5,000 मारा है। कौन कौन लोग आप लोग? हमको मारा क्यों मर रहा है जब वो जमाल करता है जे आरो जी सब मरोल आदमी। पंचायत कब बैठाया गया था? कल। किस लिए बैठाया गया था? बोला कि मिल ले कब, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़े, ऐसे बोला। हम मान सुलह करने के लिए बोला जी, सुलह करने ने बोला। वही मामले पर पंचायत के सरपंच ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने पंचायत में फरमान जारी करते हुए पीड़ित परिवार को आरोपी से 5,000 रुपए का जुर्माना दिया है और मामले में पीड़ित परिवार अब भी न्याय की आस लगाए हुए हैं। टीवी कलाकार स्पर्श श्रीवास्तव ने अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए मुंबई में अभिनय छोड़कर उत्तर प्रदेश के आगरा में डेरा डाल लिया है। आपको बताते चले कि थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी का रहने वाला स्पर्श श्रीवास्तव चक धूम धूम, बालिका वधु और महाराणा रणजीत सिंह जैसे तमाम सीरियलों में काम कर रहा है। स्पर्श श्रीवास्तव और उसकी मां रागनी श्रीवास्तव का आरोप है कि उनके घर का मुखिया दिनेश श्रीवास्तव अय्याश है, जिसको लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है। जब स्पर्श श्रीवास्तव और उसका भाई शुभम श्रीवास्तव घर के बाहर खड़े हुए थे तभी एक कार सवार कुछ लोगों ने शुभम श्रीवास्तव और स्पर्श श्रीवास्तव को कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। रागनी श्रीवास्तव का आरोप है कि उसके पति दिनेश श्रीवास्तव ने स्पर्श के द्वारा कमाए गए 40,00,000 रुपए हड़प लिए और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज भी है। अब टीवी कलाकार स्पर्श श्रीवास्तव अपने पिता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। स्पर्श श्रीवास्तव के पिता दिनेश श्रीवास्तव का आरोप है कि उन्हें बेवजह मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि यह मामला पारिवारिक और जमीनी विवाद का है। स्पर्श श्रीवास्तव के पिता दिनेश श्रीवास्तव ने इस पूरी घटना से इनकार किया है। इस पूरे मामले में जगदीशपुरा पुलिस में पहले दोनों पक्षों से बैठकर राजीनामे की बात कही, फिर बाद में समझौता न होने की दिशा में दोनों से प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि जगदीशपुरा पुलिस इस मामले को कैसे निपटा पाती है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के धेसा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के गायब होने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर छात्रा को गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर बीएसए ने स्कूल में नियुक्त कर्मचारियों पर जांच की बात कह रहे हैं। यह है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो सिद्धार्थनगर के धेसा नानकार में स्थित है। इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को देखने के लिए वार्डन और फुल टाइम टीचर भी नियुक्त है, मगर इन लड़कियों को यहाँ पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर रहकर कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रही 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा पिछले एक सप्ताह से स्कूल से गायब है। स्कूल स्टाफ इस बात को छुपाता है और जब घर वालों को इस बात की जानकारी होती है तो 5 दिन बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। इस मामले को लेकर छात्रा के पिता पूरी तरीके से स्कूल के स्टाफ को दोषी मान रहे हैं। वही इस गंभीर मामले को लेकर बीएसए सिद्धार्थनगर मनीराम सिंह का कहना है कि इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, साथ ही स्कूल स्टाफ पर विभागीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह स्कूल पे पढ़ने पड़ती थी, हाँ। और वहीं से गायब है साहब, हमको न्याय चाहिए। अब वहाँ से 6 तारीख को गायब हुई है और 3, 4 या शायद 5 को ले गए हैं स्कूल। कहाँ से गायब हुई है? कस्तूरबा स्कूल से गायब। कस्तूरबा स्कूल से गायब, वहीं से गायब। ये बालिका जो है नौगढ़ कस्तूरबा की बात है, वहाँ का कहना यह है कि स्टाफ का की चोरी से मोबाइल जो है, स्टाफ की मोबाइल किसी फुल टाइम टीचर की मोबाइल पा गई चोरी से, वो फोन की और फोन करने के बाद किसी के साथ वो चली गई। कहाँ से चली गई सर? कोई कस्तूरबा से ही। कस्तूरबा का चूंकि फील्ड है बाहर, फील्ड पर जो है पूरे कस्तूरबा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके ऊपर भी कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ निश्चित है। ये बहुत शर्मनाक घटना है और जो भी
इस जांच के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर एसपी सिद्धार्थनगर सत्येंद्र कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी है और छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। थाना तेतरी बाजार में इनका जो है निवास स्थान है और ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय थाना हमारे यहाँ जोगिया उदयपुर पड़ता है उसमें है। 5 तारीख के आसपास की घटना है कि इन्होंने किसी से फोन, अपनी टीचर का फोन था उसको उठाया और किसी से उस फोन पर इन्होंने बात की और उसके बाद से ये जो है मिसिंग है। इस संबंध में जो है सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रहने वाली छात्राओं की जिम्मेदारी वार्डन की होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि स्टाफ और छात्राओं के बीच में एक छात्रा कैसे गायब हो जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जबकि इस मिसिंग से दूसरी पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावक डरे सहमे हुए हैं। बिहार में आज सुबह सुबह रोहतास जिले के पूरे सासाराम में तब सनसनी फैल गई जब एक ही मोहल्ले के 4 लड़कों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के SP जैन कॉलेज के पास चंदन शहीद पहाड़ के तलहटी में स्थित तालाब में ये हादसा हुआ। चारों बच्चे गौरछड़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक गृह प्रवेश पूजा में भाग लेने वे लोग गए हुए थे, तभी तालाब में नहाने के दौरान चारों बच्चे डूब गए। सभी की उम्र 12 से 14 के बीच है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष जगनिवास सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभी के शवों को तालाब से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया। वहीं जिला प्रशासन मुआवजे की भी कार्रवाई कर रही है। बिहार के बक्सर में कर्पूरी ठाकुर आवासीय स्कूल छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे करीब 250 बच्चे अपने बलबूते एक छोटी प्लेट सड़क बनाकर आने जाने का रास्ता निकाल लिए हैं। उमंग और उत्साह में बच्चे मेन गेट का सीढ़ी पानी में डूबने के बाद एक स्लैब के सहारे आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक और नाइट गार्ड भी स्कूल और छात्रावास के चारों तरफ से पानी से घिरने के बाद बच्चों को बिल्डिंग से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दिए हैं। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई और रहने की व्यवस्था तो ठीक है, पर आने जाने का रास्ता और पीने के पानी की समस्या गंभीर हो गई है। कैंपस के चारों तरफ से पानी से घिरने के बाद उठ रही बदबू से जीना मुहाल हो गया है। झारखंड के लोहरदगा में एक सर्जिकल स्ट्राइक और करो पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमरनाथ के मृतक श्रद्धालु अमर रहे की गूंज के साथ गुदरी बाजार स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष भाजपा नेताओं द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें भाजपाइयों के साथ जिले के गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। पाकिस्तान का परंपरागत करतूत बरसों से इस तरह का करतूत करते आया है और आज का परिवेश ऐसा है कि हमारा देश का कुशल नेतृत्व, बेहतर शासक माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, देश विदेश में आज पाकिस्तान जैसे आतंकवाद देश को पूरे विश्व में अलग थलग करके उसकी औकात बताने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और आने वाला दिन में बहुत जल्द इसका मुंहतोड़ जवाब विश्वास है कि हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। कश्मीर में जो हादसा हुआ है, अमरनाथ यात्री जो हमारे श्रद्धालु थे उनके साथ जो घटनाएं हुई, आज लोहरदगा के लोग हम सभी उसकी कड़ी निंदा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धालु अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हम आज जो स्थिति है कश्मीर में, आज कश्मीर में कश्मीरियत खो रही है और उसका सारा श्रेय पाकिस्तान को, आतंकवादियों का पनाहगाह वो बना हुआ है, उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ कड़ी कार्रवाई हो, वहाँ फिर एक ऑपरेशन हो और समूल आतंकवादियों का नाश हो। आइए नजर डालते हैं देश के सराफा बाजार पर। आइए नजर डालते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के हाल पर।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।